तो उसमें एक क्वेश्चन है तुम्हारे पैकेज में भी है कि एक पेंडुलम बॉब है, उसको यहां से छोड़ दिया जाता है, कहां से 90 डिग्री से, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक पेंडुलम बॉब है, इसको यहां से छोड़ दिया जाता है, यहां से गिरना स्टार्ट होगा, यहां से गिरना स्टार्ट करेगा और ये एक सेमी सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ये यहां से गिरना शुरू करेगा और ये जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ठीक है ना, तो हमसे ये कहा गया है कि देखो इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन जो है वो होगी वर्टिकली ऊपर होगी, सिर्फ इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन, अगर यहां स्पीड वी है तो वी स्क्वायर बाय आर होगी, यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन क्या होगा, एमजी नीचे टेंशन ऊपर। ठीक है, और यहां पे एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा, समझ रहे हो ना, यहां एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियल होगा क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट इसका नहीं है, एमजी और टेंशन दोनों रेडियल है, रेडियल होगा वी स्क्वायर बाय आर। यहां जब छोड़ोगे तो ये रेस्ट पे था, यहां जब छोड़ोगे तो ये रेस्ट पे था, तो इस पॉइंट पर रेडियल एक्सिलरेशन जीरो होगी, यहां रेडियल एक्सिलरेशन जीरो होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहां एक्सिलरेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, स्पीड जीरो है लेकिन यहां पे ये एक्सिलरेशन होगी, ये एक्सिलरेशन होगी, ए टेंजेंशियल होगा जो इक्वल टू जी होगा, कोई डाउट, यहां पर टेंजेंशियल जीरो और यहां पर रेडियल जीरो होगा। यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक एक्सिलरेशन, यहां कोई और पॉइंट लोगे तो यहां दो एक्सिलरेशन होगा, एक होगा सेंटर की तरफ, कितना होगा बताओ, वी स्क्वायर बाय आर, और एक होगा इस डायरेक्शन में, यहां टेंशन लग रहा है टी, एमजी इधर है, तो तुम समझ रहे हो कि एमजी माइनस, सॉरी टी माइनस एमजी कॉस थीटा एमवी स्क्वायर बाय आर है, एक एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में, एक एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, ये क्यों होगा, ये सिर्फ एमजी साइन थीटा के कारण होगा, क्योंकि टेंशन और एमजी कॉस थीटा, टेंशन और एमजी कॉस थीटा मिलके क्या देगा, रेडियल एक्सिलरेशन, टेंजेंशियल सिर्फ इसकी वजह से होगा, एमजी साइन थीटा की वजह से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी वैल्यू जो है होगी जी साइन थीटा, ये क्या होगा टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। हमसे पूछा गया है इस मोशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है, इस मोशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट एक्सिलरेशन हॉरिजॉन्टल है, फाइंड एंगल थीटा एट विच नेट एक्सिलरेशन वेक्टर, नेट एक्सिलरेशन इज हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो, नेट एक्सिलरेशन इज हॉरिजॉन्टल, तो तुमको वो पॉइंट निकालना है जहां पे नेट एक्सिलरेशन वेक्टर जो है, तुमको वो पॉइंट निकालना है कि जहां पे नेट एक्सिलरेशन वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो देखो इस डायरेक्शन में तो पता है तुमको, और ये एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट के डायरेक्शन में एक ही फोर्स ऐड कर रहा था, कौन सा, एमजी साइन थीटा, टेंशन का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये तो हो गया जी साइन थीटा, और इधर जो एक्सेलरेशन होता है ये तो तुम जानते हो कितना होता है, ये जो ए रेडियल होता है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है वी स्क्वायर बाय आर। तुमको वो पॉइंट निकालना है थीटा जहां पर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों का वेक्टर सम हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों एक्सिलरेशन कैंसिल करना चाहिए, इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों एक्सिलरेशन कैंसिल कर जाना चाहिए, अगर इन दोनों एक्सिलरेशन का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका कंपोनेंट ऊपर और इसका कंपोनेंट नीचे कैंसिल कर जाएगा, तो क्या लिखोगे, अगर ये नेट, अगर नेट एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में है, इन दोनों का वेक्टर सम, इसका मतलब है कि v स्क्वायर बाय r cos थीटा, v स्क्वायर बाय r cos थीटा मस्ट कैंसिल आउट, v स्क्वायर बाय r cos थीटा मस्ट कैंसिल आउट g साइन थीटा का साइन थीटा, कोई डाउट, v स्क्वायर बाय r cos थीटा मस्ट कैंसिल आउट इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ, कोई डाउट, सर g cos थीटा
जी कॉस थीटा क्यों होगा? ये जो टेंशन है, देखो ये जो है, लिख सकते हो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए टेंजेंशियल। सही है? तो हमको तो एक्सीलरेशन, हमको तो ये एक्सीलरेशन के लिए हमको टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, हमको ए टेंजेंशियल के लिए एक्सीलरेशन का मतलब नेट फोर्स चाहिए। और इस डायरेक्शन में हम फोर्स तो जानते हैं, फोर्स तो हम जानते हैं, बट हमको स्पीड चाहिए, हम यहां से टेंशन निकाल सकते हैं। ये और ये इक्वल है, टेंशन पता होता तो ये आ जाता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। यहां कोई डाउट है? किसी भी इंस्टेंट पे दो एक्सीलरेशन होगा, एक होगा रेडियल, एक होगा टेंजेंशियल। रेडियल एक्सीलरेशन दो फोर्सेस के कारण है, वेक्टर सम है, एक टी और एक एमजी कॉस थीटा। टी पॉजिटिव, एमजी कॉस थीटा नेगेटिव, और दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? मास इनटू वी स्क्वायर बाय आर। जबकि टेंजेंशियल फोर्स सिर्फ एक ही है, टेंशन का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, टेंशन का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, एमजी साइन थीटा। तो नेट फोर्स बाय मास, तो ये एक्सीलरेशन हम जानते हैं जी साइन थीटा है, और ये वी स्क्वायर बाय आर है। तो दोनों का अगर वर्टिकल, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर दोनों का वेक्टर सम हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकली ये और ये कैंसिल हो रहा है। अब देखो हमको वी निकालना पड़ेगा, और डाल देंगे तो हमारा थीटा जो है निकल जाएगा। अब वी कैसे निकालेंगे? यहां ये रेस्ट पे है, यहां ये रेस्ट पे था और यहां तक पहुंचा, तो ए से लेकर के बी तक क्या लगा दो? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ए से लेकर बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो क्या लिखोगे? अगर हम लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लिखोगे? यहां इसकी स्पीड वी है, तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाय टेंशन जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहां तक, बताओ ये डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट कितना नीचे है? आर कॉस थीटा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना नीचे है? आर कॉस थीटा। सो एमजी इंटू आर कॉस थीटा या एल कॉस थीटा, यहां आर लिए हैं इसलिए यहां भी आर ले लिए, नहीं तो एल लेते। एमजी इंटू आर कॉस थीटा, समझ रहे हो ना? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एमजी इंटू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, होगा ना? वी से एम से एम और ये कट गया, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? टू जी आर कॉस थीटा होगा। इसको यहां डाल दो, ये हो जाएगा टू जी आर कॉस थीटा बाय आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना? आर से आर कट गया, जी से जी कट गया, तो यहां से जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट टू, होगा ना? टेन थीटा इज इक्वल टू रूट टू। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ? वन बाय रूट थ्री। सही है? इस एंगल पर नेट एक्सीलरेशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा। एग्रीड? यस। इरोडो का क्वेश्चन है ये, इरोडो का मैं तो बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। मैं ये सोच रहा हूं एक बार पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, तब मैं सारे क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा, ठीक है? अब देखो, नाउ वी आर कमिंग टू आज का टॉपिक जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है? तो एक कहानी सुनाता हूं, सुनो एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा है, उस बच्चे के पास एक बॉल है और उसको वो अपनी ताकत देखना चाहता है और उस बॉल को पूरी ताकत लगा के इस ऊपर फेंकता है। वो बच्चा उस बॉल को पूरी ताकत लगा के ऊपर फेंकता है और जब वो बॉल उसके हाथ से निकलता है बहुत हाई स्पीड से, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उसको अच्छा लगता है। ही फील्स गुड कि ही इज एबल टू गिव ए वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी स्पीड टू दैट बॉल। वो उस बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड देता है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देता है, वो बहुत खुश होता है ये देखकर।
लेकिन जैसे जैसे वो बॉल ऊपर जाता है वो देखता है कि बॉल की स्पीड काइनेटिक जो है एनर्जी घट रही है, बॉल की स्पीड घट रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, वो थोड़ा सा दुखी होता है। तो उसके पिताजी उसको कहते हैं डोंट गेट, मतलब दुखी मत हो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। वो पेशेंस रखता है बट वो बॉल ऊपर जाते जाते रुकते 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 फाइनली रुक जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो बॉल रेस्ट पे आता है। अभी भी वो बच्चा उसमें बहुत दुखी होता है जब वो रुक जाता है पूरी तरह से, तो उसको लगता है उसका मेहनत बेकार गया। लेकिन उसके बाद बॉल फिर वापस नीचे आना शुरू होता है, उसके बाद बॉल फिर वापस नीचे आना शुरू होता है और फिर से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगता है। और जब वापस उसके हाथ में बॉल लौटता है तो वो उसी काइनेटिक एनर्जी उसी स्पीड से लौटता है जिस स्पीड से उसने थ्रो किया था। ठीक, तो अपने पिताजी से पूछता है, तो उसके पिताजी बोलते हैं पेशेंस का जवाब, पेशेंस तुमने रखा, इसीलिए बीच में भले ही ये रुक गया था बट बर्बाद नहीं हुआ था, वो किसी और फॉर्म में स्टोर हो गया था, वो छिप गया था और वो छिपा हुआ एनर्जी तुमको फिर वापस मिल गया। ठीक, अब वो बच्चा क्या करता है, तो वो बच्चा इस बात को रियलाइज करता है कि जब उसने इस बॉल को ऊपर फेंका था, जब उस बच्चे ने इस बॉल को ऊपर फेंका था तो ये बॉल ऊपर गया था, यहां ऐसी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, जब यहां पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, और यहां पहुंचा ये रेस्ट पे आ गया। लेकिन जब वापस आया तो फिर से ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया, और जब वापस यहां आया इसी काइनेटिक एनर्जी फिर से वही थी। तो बच्चे ने इस बात को सीखा कि पेशेंस रखने से चीजें वापस आती हैं, भले ही समय खराब हो, भले ही समय खराब हो, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपके पेशेंस वापस आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई, अब इस बच्चे ने इसी बॉल को ग्राउंड पे फेंका, अब इस बच्चे ने इसी बॉल को ग्राउंड पे फेंका विद हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर से दिया, फिर ये बॉल जा रहा था और ये स्लो डाउन हो रहा था, ये स्लो डाउन हो रहा था और बच्चा खुश हो रहा था, मैं आज फिर पेशेंस रखूंगा, फिर ये वापस आएगा। बट इस बार जब वो रुका तो वापस नहीं आया, इस बार जब वो रुका तो परमानेंट ही रुक गया, वापस नहीं आया। अब वो बच्चा समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ, दोनों केस में वो रुका बट इस केस में वापस नहीं आया। तो उसने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि यहां इसको फोर्स रोकने वाला ग्रेविटी था और यहां इसको रोकने वाला फ्रिक्शन था, ग्रेविटी ने रोका स्टोर हो गया, फ्रिक्शन ने रोका बर्बाद हो गया, ग्रेविटी ने रोका, ग्रेविटी ने भी इसको कन्वर्ट किया और फ्रिक्शन ने भी इसको कन्वर्ट किया, फ्रिक्शन ने इसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, इसने काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट में, लाइट में, साउंड में, इनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल फॉर्म। काइनेटिक कन्वर्ट हो गया हीट में, काइनेटिक कन्वर्ट हो गया लाइट में, काइनेटिक कन्वर्ट हो गया साउंड में, और ये वापस काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ये वापस काइनेटिक में कन्वर्ट, काइनेटिक तो हीट बन जाता है बट हीट काइनेटिक नहीं बन पाता है। तो उसने बोला ये फिर वापस कन्वर्ट नहीं हो पाया, यहां पे जब तुमने इसको थ्रो किया तो यहां जब ये पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी बहुत आराम से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आपस में रेडली इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो उसने बोला क्या इसका कारण यह था कि इसको रोकने वाला ग्रेविटी था, और क्या इसका कारण यह था कि इसको रोकने वाला फ्रिक्शन था। बोला यस, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, ऐसे और कौन कौन से फोर्स हैं, ऐसे और कौन कौन से फोर्स हैं जो अगर यहां फ्रिक्शन की जगह होते तो ये कभी नहीं लौटता, और ऐसे कौन 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 से फोर्स हैं जो अगर यहां पे ग्रेविटी के बदले होता तो भी ये लौटता। इन फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इन जनरल कहें कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक को घटाता है तो वो घटाता नहीं है, वो दूसरे फॉर्म में स्टोर कर लेता है,
उस स्टोर्ड फॉर्म को जो वापस काइनेटिक में आराम से कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन ही नहीं कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इन जनरल यूनिवर्सल डिफिनेशन देखें, तो वो अगर रोकेगा तो वो हीट या लाउट या साउंड में, इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल, क्या बोलते हैं नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस रिट्रीव नहीं हो पाता है। तो यानी अब हमारा ये है कि यहां पे रोकने वाला फोर्स कंजर्वेटिव था, कंजर्वेटिव फोर्स था, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स था। एज एन एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा ही बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है। यहां पर जो फ्रिक्शन था रोकने वाला वो नॉन कंजर्वेटिव था। तो हम जानना चाहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। और फिजिक्स में हमको बहुत बार ऐसा आएगा कंजर्वेटिव फोर्स आएगा और हम वहां उनको एक यूनिवर्सल डिफिनेशन आज जो है सीखेंगे, जिसको हम बाद में जाके यूज करेंगे। ठीक, कोई डाउट किसी को? हम जो फोर्स पढ़ेंगे उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि दोनों फोर्स है, बाकी कुछ कॉमन नहीं, सब उल्टा है। क्या होता है देखो, फोर्स हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, कौन कौन सा? एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक जो है होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का सबसे बड़ा खासियत यह है होता है कि उसका वर्क डन सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एंड नॉट ऑन एक्चुअल पाथ टेकन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, ए से लेकर बी तक, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, ए से चले बी पे पहुंचे, ये किसी भी रास्ते से जाओ, चाहे ऐसे जाओ, तीनों केस में रास्ते अलग अलग हैं, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ये पाथ वन है, ये पाथ टू है और ये पाथ थ्री है, वर्क डन तीनों में सेम आएगा। इस केस में वर्क डन फर्स्ट पाथ में, वर्क डन सेकेंड पाथ में और वर्क डन सेम पाथ में सेम आएगा, अगर इस टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो। लेकिन इस केस में वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। यानी इस पाथ में, इस रास्ते से अगर इस टाइप का फोर्स इन्वॉल्व है नॉन कंजर्वेटिव, इस रास्ते से अलग अलग वर्क डन आता है। डेल्टा डब्ल्यू वन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू थ्री। ठीक है, दूसरा, जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए, जहां से चले पूरी दुनिया घूम के वहीं पहुंच गए, इसमें वर्क डन जीरो आएगा हमेशा, इससे वर्क डन कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक, वर्क डन इन ए क्लोज्ड साइक्लिक पाथ इज ऑलवेज जीरो। मतलब अगर इस टाइप से है, तुम यहां से चले और ऐसे होके और यहां पहुंच गए,
तुम यहां से चले और इस रास्ते पे लूप बनाते हुए ऐसे चले और वापस यहीं आ गए, ए से चले और ए पे ही पहुंच गए। वर्क डन इन द क्लोज साइक्लिक पाथ इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। और इस केस में वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नेवर जीरो। तीसरा, इस केस में हम बाद में चल के देखेंगे फोर्स लाइन या फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ फील्ड, जो फील्ड लाइन होते हैं या फोर्स लाइन होते हैं, इसमें कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, इसमें हमेशा क्लोज लूप बनाता है। लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इसका मतलब क्या हुआ? दे हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे हैव एन एंड पॉइंट। दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। लाइंस ऑफ फोर्स कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पे एंड होता है। अगर वो पॉजिटिव से निकला और घूम के वहीं पे चला आया, क्लोज कर दिया, जहां से चला वहीं क्लोज हो गया, इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो समझिएगा यहां पर इट ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, क्लोज लाइंस ऑफ फोर्स। तो 12th के वैसे बहुत दिक्कत हुई थी इन सब चीजों को लेके, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अभी चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, तो सब कुछ बताना पड़ा था। चौथा, हम एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ इन फोर्सेस के लिए, इनके लिए नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू, फिजिक्स में इसको हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड Only for conservative forces. चौथा, potential energy not defined for them. Potential energy is not defined for them. इनके लिए potential energy defined नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कुछ नाम ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा ... ये तो तीन के नाम मैंने बताए, इनफाइनाइट फोर्स होते हैं, हम सब बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एग्जाम्पल। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है? कोई फ्लूइड मीडियम, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, एटमॉस्फेयर हो, वो जो फ्रिक्शन लगाता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। फोर्स ऑफ डैम्पिंग फोर्स एक और फोर्स होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
बट वो हम अभी लिख नहीं रहे हैं, वो तुम समय के साथ समझ जाओगे। ऐसा कोई भी फोर्स जो एनर्जी को खाता हो, ये एनर्जी को खाता नहीं है, ये मैकेनिकल एनर्जी को खाता नहीं है, बस दूसरे फॉर्म में स्टोर कर देता है, बट ये खा जाता है, ये खा जाता है, ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है परमानेंटली। डैम्पिंग फोर्स होता है, जब SHM पढ़ोगे उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग मतलब वही है मीडियम का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। सब जान जाओगे समय के साथ, जाओगे बस मुझे नाम लिखना है। क्या चीज? एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ग्लिसरीन में एक पेंडुलम बॉब को घुमा दो उसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, वो सब बताएंगे। इसीलिए तुम कभी ये नहीं सुनोगे ये टर्म इनवैलिड है, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। हाँ ये डिफाइंड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, यू कैन डिफाइन ए टर्म कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन डिफाइन ए टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तुम डिफाइन कर सकते हो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह सकते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तुम डिफाइन कर सकते हो, बट तुम फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हो। कौन सा? ये ठीक है, समझा रहा हूं ठीक है, समझा रहा हूं अभी। यहां कोई इसके अलावा डाउट, थर्ड के अलावा कोई डाउट? चलो ये बताओ, मैंने क्या बोला, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। मान लो मेरे पास एक रास्ता है, एक फोर्स लाइन इस तरह से है, मेरे पास एक फोर्स लाइन ऐसे आ गया, कैसे, किसी भी शेप का है, सर्कुलर जरूरी नहीं है, मान लो मेरे पास एक फोर्स लाइन आ गया ऐसे, मेरे पास एक फोर्स का लाइन है, कैसा लाइन है, ऐसा लाइन है, हमको एक क्लोज्ड फोर्स लाइन मिल गया, यह है लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या चीज? फोर्स लाइन मतलब फील्ड का नाम सुना है कभी? तो फील्ड लाइन क्या होता है? देखो लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक लाइन खींचते जाओ, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन है अगर चेंज हो रहा है, अगर फोर्स का डायरेक्शन वेरिएबल है तो किसी भी पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक लाइन टेंजेंट बनाते जाओ तो एक कर्व बनेगा ना, उसको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये फोर्स है एफ, ये मान लो कोई फोर्स है जो इस तरह से लूप बना रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन यहां पर क्या है समझो, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन यहां पर जो है क्या है, यहां ड्रॉ कर दो टेंजेंट, ये किसी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे वो टेंजेंट जो है वो होता है उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे, उस लोकेशन पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है, सही रहो? एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसा कर्व ड्रॉ करो कि जिसपे किसी पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट का डायरेक्शन उस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, उसको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो भी समझो लाइंस ऑफ फोर्स बोलो। अगर हमको ऐसा एक क्लोज मिल गया, अगर हमको मान लो ऐसा क्लोज मिल गया, एक भी हमको ऐसा फील्ड लाइन, फोर्स लाइन मिल गया जो क्लोज है, तो अब क्या करो, एक चार्ज को लो, एक चार्ज को लो या किसी एक पॉइंट पार्टिकल को लो और इस पार्टिकल को इसी रास्ते पे घुमा दो, इस पार्टिकल को लो और इस पार्टिकल को इसी रास्ते पे घुमा दो, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ? यहां पे जब तुम इसको घुमाओगे पार्टिकल को, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यहां फोर्स किस डायरेक्शन में था, टेंजेंशियल, फोर्स किस डायरेक्शन में था, टेंजेंशियल, और तुम मूव किए dr डिस्टेंस, टेंजेंशियल। तो इस पॉइंट पे F डॉट डी आर क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर तुम अगला स्टेप लिए तो फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो तुम्हारा कर्व का डायरेक्शन भी तो ये हो गया चेंज, तुमने फिर इसको यहां लिया, यहां से यहां,
बट फोर्स भी तो यहां से यहां था, डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर से एंगल क्या है, फिर से एंगल क्या है, जीरो डिग्री है। यहां भी एफ डॉट डी आर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब तुम यहां जाओगे, जब तुम यहां से यहां जाओगे, देखो फोर्स की डायरेक्शन टेंजेंशियल और तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है अलोंग द पाथ टेंजेंशियल, छोटे छोटे टुकड़े कट कर रहे हो। यहां भी एफ और डी आर में एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री। तो हर पॉइंट पे एफ डॉट डी आर पॉजिटिव आएगा, इस पूरे लूप में पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब तुम्हारा वर्क डन इन द एंटायर साइकिल, वर्क डन इन दिस क्लोज साइकिल, और तुम इसी डायरेक्शन में घूम जाओ, नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, हो गया ना कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव के केस में कोई भी लूप मिल गया और हम उसी लूप पे उस चार्ज को घुमा दी, हमको एक लूप मिल गया इस डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे फील्ड इस तरह से है, फोर्स इस तरह से है, और मैंने इसी डायरेक्शन में इसको पार्टिकल को भी मूव करा दिया, तो क्या होगा, मेरा वर्क डन क्लोज साइकिल में नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो का मतलब हो गया नॉन कंजर्वेटिव, वो मतलब इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, कंजर्वेटिव में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, यहां से चलेगा, यहां खत्म हो जाएगा। लूप नहीं बनेगा, कभी लूप नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ सर, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और उसको पूरे सर्कल में घुमा रहा हूँ, ठीक, क्या बोले, अगर एक्सटर्नल फोर्स लिया उसको ऐसे घुमा दिया तो तुमने हाथ से इसको पकड़ा ऐसे घुमा दिया, यही ना, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी तुम पूरा कंजर्वेटिव फोर्स का लिस्ट देखोगे और नॉन कंजर्वेटिव का, खुद समझ जाओगे क्यों ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक चीज बताओ, मैं एक पार्टिकल को ऐसे पकड़ता हूं और ऐसे सर्किल पे घुमा देता हूं, वर्टिकल सर्किल पे ऐसे, या ऐसे करता हूं, ऐसे करके यहां से लेता हूं ऐसे घुमा देता हूं, वो डन में ग्रेविटी जीरो आएगी, जहां से चलाया वहीं ले आया, क्यों जीरो आएगी, क्यों जीरो आएगी, देखो क्यों जीरो आएगी, मैं बता रहा हूं, दो केसेस में तुम्हें फर्क दिखा रहा हूं क्या होता है, मैं तो दो केसेस में फर्क दिखा रहा हूं क्या होता है, क्योंकि तुम इन फोर्सेस बारे में जानते हो, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम इन दोनों फोर्सेस बारे में अब तक जानते हो, इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं कुछ भी दिखा सकता हूं, दिखाऊंगा सब कुछ। यहां हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी में ले रहे हैं, हमने एक पार्टिकल को ऐसे उठाया, यहां से यहां ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, हम एक पार्टिकल को क्या किए, यहां से यहां ले गए, हम एक पार्टिकल को जो है यहां से यहां ले गए, 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 ठीक, एक पार्टिकल को पकड़े, एक रेक्टेंगल पे से घुमा दिया, वॉट में ग्रेविटी कैसे निकालोगे, जरा देखो, यहां से यहां ले आओगे, लिखोगे प्लस mgh, लिखोगे, यहां से यहां ले आओगे लिखोगे जीरो, यहां से यहां ले आओगे लिखोगे माइनस mgh, यहां से यहां ले आओगे लिखोगे जीरो, सबका सम आएगा जीरो, आएगा तो बोलेगे सर आप तो बहुत होशियारी की, आपने तो रेक्टेंगल ले लिया, हम सर्कल ले रहे हैं, अब देखो क्या होगा, हम इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे घुमा दिया, पूरी सर्किट पे घुमा दिया, ये बताओ यहां और यहां देखो, एमजी का डायरेक्शन यहां पे इस तरह से था, एमजी यहां भी इसी तरह से था, ठीक है ना,
लेकिन यहां तुम ऐसे जा रहे हो और यहां तुम ऐसे जा रहे हो, समझ रहे हो? यहां एंगल थीटा है, यहां पर 180 माइनस थीटा है, सही है? यहां आएगा MGDR, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल है, MGDR cos थीटा, यहां पे वर्क डन आएगा MGDR cos थीटा, और यहां पर वर्क डन जो है होगा MGDR cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर वर्क डन आएगा MGDR cos 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब माइनस MGDR cos थीटा, तो दोनों कट जाएगा ना, कट जाएगा, यहां तुम समझ पा रहे हो? अब मैं इसको कर्व ले लेता हूं, कैसे ले लेता हूं, ऐसे ऐसे ले लेता हूं, और तब मैं इस पे घूम जाता हूं, अब मैं इस पे घूम जाता हूं, और तुम बोलोगे सर इसमें कैसे आप करोगे प्रूफ, हालांकि ये एमजी हम अभी ले रहे हैं, धरती के पास ले रहे हैं, तो ये कॉन्स्टेंट फोर्स है, कोई भी कॉन्स्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, यहां तो आसानी से बता दूंगा, लेकिन जब लेंगे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर यूनिवर्स में, जब एक पार्टिकल को बहुत दूर फेंक देंगे, धरती से बहुत दूर, जहां पर mg नहीं लगेगा, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर लगेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां भी इंप्रूव करेंगे ये, यहां पे तो सिंपल सी बात है, यहां पे तुम क्या कर सकते हो, कहीं भी तुम चले जाओ, तुम यहां से यहां चले जाओ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो dr, mg था इधर, तो वर्क डन होता है mg डॉट dr, होगा ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन निकालना है, mg कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, mb कांस्टेंट है, और वेक्टर g भी कांस्टेंट है, dr का इंटीग्रल, अब dr का इंटीग्रल क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और अगर पूरे लूप पे ले लोगे, अगर पूरे लूप पे ले लोगे तो जीरो आएगा, ये dr प्लस ये dr, ये वेक्टर है देखो, ये dr पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग, ये dr प्लस ये dr सबको जोड़ते जाओगे कितना आएगा, जीरो आएगा, जहां चले वहीं पहुंच गए, अब जरा सोचो यही काम हम फ्रिक्शन में करते तो क्या होता, हम क्या कर रहे हैं समझो, हम क्या कर रहे हैं समझो, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक टेबल है, ये टॉप व्यू है, ये टेबल है, इस टेबल पे इसको डाला, इस टेबल पे इसको डाला, और इस पे इसको घुमा देते हैं ऐसे, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यही चीज अब क्या कर रहे हैं, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, वर्क डन जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा जीरो, तुम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, और यहां से यहां गए, यहां जब तुम नीचे जा रहे थे तब फोर्स कितना था, नीचे था, जब ऊपर जा रहे थे तब भी फोर्स क्या था, नीचे ही था ना, जब नीचे जा रहे थे तब भी ग्रेविटी नीचे था, जब ऊपर जा रहे थे तब भी ग्रेविटी नीचे था, बट यहां ऐसा नहीं होगा, जब राइट जाओगे, जब राइट जाओगे तो फोर्स एड करेगा लेफ्ट, करेगा, जब नीचे आओगे फ्रिक्शन एड करेगा ऊपर, ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी, जब इधर जा रहे हो, जा रहे हो इधर, ये ब्लू लाइन से हम पाथ दिखा रहे हैं, ये ब्लू लाइन से हम पाथ दिखा रहे हैं समझो, और रेड लाइन से हम फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्स, जब तुम राइट जा रहे थे फ्रिक्शन लेफ्ट, जब नीचे जा रहे थे फ्रिक्शन ऊपर, जब लेफ्ट जा रहे थे फ्रिक्शन राइट, और जब फिर तुम ऊपर जा रहे थे तो फ्रिक्शन डाउन, ये बताओ क्या ये क्लोज लूप बन रहा है लाइन ऑफ फोर्स, सिंपल, और ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, इस स्क्वायर में, इस रेक्टेंगल में ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, तो तुम्हारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा माइनस L इंटू बी माइनस F इंटू बी माइनस F इंटू बी, देखो तुम्हारा वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस, यहां से यहां तक में
तुम जा रहे थे राइट, फ्रिक्शन था लेफ्ट, माइनस एफ बी, एंगल कितना दोनों में 180 डिग्री। जब नीचे आ रहे थे डिस्प्लेसमेंट एल डाउन, फ्रिक्शन एफ, फिर से तुमने डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बदल दिया, फ्रिक्शन भी बदल गया। तुमने डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था इस तरह से, पहले फ्रिक्शन और इसमें था इस तरह से, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, फिर इस तरह हो गया, हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये अपना डायरेक्शन घुमा रहा है, तो इसके पीछे पीछे ये भी अपना डायरेक्शन घुमा रहा है, हमेशा 180 है। इसीलिए हो जाएगा माइनस एफ बी माइनस एफ एल टू टाइम्स, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, यानी वर्क डन हो जाएगा समझो माइनस एफ इंटू टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट वर्क डन जीरो नहीं है, फोर्स वर्क डन नहीं होता, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तभी होता है, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तभी होता है, ठीक है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, बताया था ना। ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा नॉन कंजर्वेटिव की, कहीं भी आएगा तो क्या किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि उसी तरह से तुम यहां लोगे तो क्या होगा, इस तरह से लो, सर्कुलर लो, तुम इसको इस तरह से घुमा रहे थे, जब तुम यहां पर थे, जब तुम यहां पर थे, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, तुम डिस्प्लेस हो रहे हो उधर, फ्रिक्शन है इधर, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी टेंजेंट के अपोजिट हो। जब तुम यहां पहुंचोगे तो डिस्प्लेसमेंट लोगे इधर, फ्रिक्शन होगा इधर, जब तुम यहां पहुंचोगे डिस्प्लेसमेंट लोगे इधर, फ्रिक्शन होगा इधर, हमेशा एंटी पैरेलल है। तो यहां भी सिंपल वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस एफ इंटू टू पाई आर, माइनस एफ इंटू टू पाई आर, एक बार घूमोगे टू पाई, दो बार घूम जाओ फोर पाई आर, तीन बार घूम जाओ सिक्स पाई आर, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए अगर तुम यहां से यहां तक, तुम यहां से यहां तक ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, वो अलग अलग आएगा, क्यों आएगा अलग अलग, जब तुम यहां से यहां जाओगे तो लिखोगे माइनस एफ इंटू टू आर, माइनस एफ इंटू टू आर, क्योंकि जब तुम इधर से इधर जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट है टू आर, फ्रिक्शन है अपोजिट, माइनस एफ इंटू टू आर, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर तुम यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस एफ इंटू पाई आर लिखोगे ना, इसका मतलब पाथ डिपेंडेंट है, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट जा रहे हो बट वर्क डन अलग अलग पाथ में अलग अलग आ रहा है, क्योंकि अलग अलग पाथ में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। चलो इस केस में वही आएगा, टोटल पेरीमीटर माइनस फ्रिक्शन टोटल, ये तो खैर एग्जांपल था, हमने तुम्हें बता दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझना है, हमको इस चैप्टर में फिजिक्स का बेस तैयार करना है, हम कभी भी फ्यूचर में कोई भी फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, कहीं भी कोई फोर्स आएगा, न्यूक्लियर फोर्स, कहीं कोई फोर्स आएगा, तो हमको उस समय ये पता करना है उस समय कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का यू का जो यूनिवर्सल डिफिनेशन हम बताएंगे वही लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है, और एक चीज और जानो कि हर चीज का फिजिक्स में जो डिफिनेशन है, हर चीज का फिजिक्स में जो डिफिनेशन है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। फिजिक्स मैंने आज तक नहीं देखा है, मैंने आज तक अपने लाइफ में फिजिक्स में कभी किसी चीज में बिना लॉजिक के नहीं देखा है। तुम कोई भी क्वेश्चन करो उसका आंसर है, हो सकता है वो आंसर मेरे पास ना हो सकता है वो आंसर मैं ना जानता हूं, ये मेरी लिमिटेशन हो सकती है, बट फिजिक्स में उसमें तुमको ये बोल देगा याद कर लो, ये नहीं हो सकता। फिजिक्स तुमसे कभी ये नहीं कहेगा कि रट लो, कह ही नहीं सकता है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, और हम जितना बुक्स पढ़े हैं, जितना डीप में गए हैं, उतना हमको वो लॉजिक मिला है। जब उस लॉजिक को पकड़ते हैं तो हमको लगता है कि फिजिक्स में तो बिल्कुल एक नेचुरल साइंस है, एक इजी फ्लो है, हम डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं उसी का वो इंटरप्रिटेशन है, नेचर का इंटरप्रिटेशन, और कुछ नहीं है। इसलिए फिजिक्स को सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बनाना चाहिए, और फिजिक्स में कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि याद कर लो, कभी नहीं, कभी नहीं।
तो जैसे हम एक हम डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, हम डिफाइन कैसे करते हैं। और एक बात याद रखना, फिजिक्स में डिफिनीशन एक ही होता है, चाहे चैप्टर कोई भी हो, फिजिक्स में दो डिफिनीशन कभी नहीं होता है। वर्क डन का डिफिनीशन यूनिवर्सल है, dW = FdR, ये हर जगह वैलिड है, चाहे फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, डायरेक्शन में कांस्टेंट हो, दोनों में कांस्टेंट हो, दोनों में वेरिएबल हो, FdR हमेशा लगेगा। इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, वो केस बाय केस वेरी करता है और ये चैप्टर बाय चैप्टर नहीं बदलता है। उसी तरह से यहां भी क्या होता है, समझो हम लिखते हैं du कंजर्वेटिव माइनस dW कंजर्वेटिव। इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज और सिंपल एक काम करो, इसको इस तरह से लिखो, द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म। अब ये निगेटिव क्यों होता है, इसका भी कारण है, ऐसा नहीं वैसे मैंने लिख दिया है, मैं इसको भी बता सकता हूं ये क्यों होता है। पहले समझो, जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स ने नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने कोई वर्क किया उसका नेगेटिव, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना, चेंज डिफाइंड होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू पर्सन टू पर्सन डिफाइंड होता है। समझो, ये जो होता है चेंज इज डिफाइंड, ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, ऑलवेज चेंज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू वेरीज फ्रॉम विथ चॉइस ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है समझो, अगर हम कह रहे हैं कि मेरा ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से 1 मीटर ऊपर है या 10 सेंटीमीटर ऊपर है, मेरा ऊपर वाला हाथ मेरे नीचे वाले हाथ से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक, यहां से यहां तक की हाइट 10 सेंटीमीटर है, ये डिफाइंड है, ऊपर वाले का हाइट नीचे वाले की हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये डिफाइंड है, इसको मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मैं इसको 0 मान लूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 30 ये 40 सेंटीमीटर, ये -20 या -50 तो -50 + 10 ये होगा -40 सेंटीमीटर, ये मेरी चॉइस है, एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी चॉइस है, डिफरेंस मेरी चॉइस नहीं है, मैं चाहूं इसमें कोई भी वैल्यू है, ये और ये, मैं दोनों में सेम नंबर ऐड कर सकता हूं या दोनों में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं ताकि दोनों का डिफरेंस सेम रहे। इसीलिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ में 0 नहीं आएगी, मिनिमम आएगी। आईआईटी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज मिनिमम इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0 इन इट्स
नेचुरल लेंथ, आंसर होगा मिनिमम। जीरो तो मेरी चॉइस है, देखते हैं कैसे। तो समझो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। इसी तरह से अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दो तो du को इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा माइनस dw। जिस कंजर्वेटिव फोर्स का तुम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना चाह रहे हो उसके वर्क को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, उसका टोटल वर्क डन निकाल, वो तुमको दे देगा टोटल चेंज u2 माइनस u1। समझो मैं एक पार्टिकल को जमीन के पास, यहां पे एक मार्कर है, मैं इसको ऐसे खींच के h हाइट ऊपर ले आता हूं, मैं इसको यहां से खींच के h हाइट ऊपर ले आता हूं, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैं एक पार्टिकल को जिसकी मास m है उसको यहां से खींच के यहां तक ले जाता हूं, कितना हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर। इस प्रोसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, बताओ, माइनस mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस mgh। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ दिस u2 माइनस u1 टोटल चेंज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल चेंज पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ माइनस mgh एंड दैट इज इक्वल टू प्लस mgh, है ना। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप इसको मान रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, यहां पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कितनी है, जीरो। अगर तुम यहां पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हो तो यहां कितना हो जाएगा, प्लस mgh, ठीक है, क्योंकि यहां पे टू स्टेट में वन स्टेट से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब तुम इसको ऊपर लिफ्ट किए पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ता है, यहां से यहां लेके जाओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, नीचे से ऊपर जाओगे वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, नेगेटिव होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, इज कॉल्ड चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये है जीरो थे प्लस mgh। तुम चाहो u2 ज्यादा है u1 से, कितने अमाउंट से, mgh से, तुम चाहो तो इसको जीरो मान सकते हो, इसको माइनस mgh मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तुम चाहो तो इसको 10 मान लो, 10 जूल मान लो, तो ये हो जाएगा mgh प्लस 10 जूल, mgh प्लस 10 जूल, ठीक है, सब सही है, ठीक। बिफोर आई कम कि ये कहां से आया है, इसका क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले इसको समझो। तो ग्रेविटी के केस में हम एक डिफाइन करेंगे, इसको यूज करेंगे, दूसरा हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में, क्योंकि हमने वर्क डन पहले ही सबका निकाला हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने सबका वर्क डन पहले ही निकाला हुआ है, हम उसको दोबारा नहीं निकालेंगे, हम उसको जानते हैं कितना होता है। तो स्प्रिंग का केस लेते हैं, ठीक। तो यहां हम दो तीन पोटेंशियल एनर्जी एक मिनट के लिए डिफाइन कर देते हैं, जो हमको अभी यूज करना, वैसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पोटेंशियल एनर्जी का जनरल मीनिंग समझना है, हम क्वेश्चन तो पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। तो देखो कोई डाउट यहां, देखो देखो अगर हमारे पास इस तरह से है, क्या है कि हम पहले डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर सरफेस ऑफ अर्थ, यूनिवर्स में नहीं, क्योंकि तो यूनिवर्स के केस में फॉर्मूला अलग बनेगा। दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल जो है एनर्जी, चलो दो हमको डिफाइन कर देते हैं। पहले
हम जानते हैं अगर हम इसको यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, ए से लेकर बी तक जाएंगे एच हाइट ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एम जी एच। देयरफॉर यू एट बी माइनस यू एट ए हो जाएगा प्लस एम जी एच। कितना हो जाएगा? प्लस एम जी एच। यानी कि अगर यहां पर तुमने पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उसके कंपेरिजन में यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एम जी एच ज्यादा होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए बाय प्लस एम जी एच। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। दूसरा, यहां देखो, ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग है और ये इसका नेचुरल लेंथ है। ठीक है, ये स्प्रिंग है और ये इसका नेचुरल लेंथ है, और तुमने इसको यहां से क्या किया, एक्स अमाउंट से खींच लिया, तुमने इसको एक्स अमाउंट से इलोंगेट होने दिया। इस प्रोसेस में ए से लेकर के बी तक में व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग? वर्क डन बाय स्प्रिंग इन ए बी कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, होगा ना? वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है यू बी माइनस यू ए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर एंड दैट बिकम्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट बी इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट ए, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट बी इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट ए बाय अमाउंट हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट बी इज मोर, क्योंकि यू बी माइनस यू ए पॉजिटिव है, यू बी माइनस यू ए पॉजिटिव है। इसका मतलब है अगर तुम यहां जीरो मानोगे, यहां अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, यहां पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहां जीरो मान लो, यहां हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से हाफ के एक्स स्क्वायर ज्यादा यहां होगा और यहां से हाफ के एक्स स्क्वायर कम यहां होगा। यहां का पता है उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर घटा दो, यहां का पता है उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर जोड़ दो। तुम चाहो तो यहां पर 10 जूल मान सकते हो नेचुरल लेंथ में, अगर तुम 10 जूल मान रहे हो तो यहां पर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 10 जूल। डिफरेंस वही आना चाहिए, डिफरेंस तुम्हारे हाथ में नहीं है, जीरो मानना तुम्हारे हाथ में, बट सबसे आसान है इसको जीरो यहां मानना। ठीक है, जीरो यहां मानना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब देखो, बिफोर आई कम टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और ये वो क्या होता है, तो चलो एक चीज बताते हैं। हम तुमको सारे चीजें बताएंगे कि पोटेंशियल जो है कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, कौन कौन से कंजर्वेटिव नहीं होते हैं। उसके पहले हम तो ये बताना चाहते हैं कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम जो इतना पढ़ाए वो क्यों पढ़ाए, और क्यों हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से फोर्स नहीं निकालेंगे, मतलब वर्क क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। पहले हम इसको बता देते, ये हम अपने इंटेलेक्चुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस अच्छा चीज है, बट न्यूमेरिकल जो हमारे होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के, वो हम यहाँ इससे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे जरा देखो। जब तुम किसी भी सिस्टम पे क्वेश्चन की जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम क्या लिखते हो समझो, पूरा स्टेटमेंट में लिखना हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। इंटरनल में कौन सा? इंटरनल को दो पार्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस
इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। मैं सारे बुक का जो स्टेटमेंट लिखा होता है, जो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, सब बता रहा हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसी भी टाइप का, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल चाहे वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरनल दो टाइप का, इंटरनल मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों, अंदर जो फोर्स ऐड करो सिस्टम के, विद इन जो फोर्स ऐड करो उसको बोलेंगे इंटरनल, और सिस्टम के बाहर से ऐड करो उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड फोर्स, है ना, दिस इज जिसकी सोर्स सिस्टम के बाहर हो, जो है ओनली एक्शन, आउटसाइड फोर्स, आउटसाइड फोर्स। और इंटरनल का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन का फोर्स भी एंड रिएक्शन का फोर्स भी। जैसे क्या हो सकता है, एक ब्लॉक पर एक ब्लॉक चल रहा है, दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लिए, दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, और दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लिए तो वो इंटरनल फोर्स हो गया, और एक ब्लॉक को माने तो वो एक्सटर्नल हो गया, सही हो ना। खैर जो भी है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, इंटरनल को हम दो में है बता दिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्डन बाय स्यूडो। स्यूडो कब लेते हैं, इफ फ्रेम, जो पर्सन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा है, जो पर्सन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा है वो खुद एक्सिलरेटेड है, जो पर्सन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा है वो रेस्ट पे नहीं है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, वो एक्सिलरेशन में है, तो उसको एक स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो गलत काइनेटिक एनर्जी देखेगा, बट आंसर उसको ही मैच कराना है। तो यहां पे जब वो ग्राउंड का पर्सन अलग काइनेटिक एनर्जी देखता है, इनर्शियल फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी हो सकता है अलग दिखे और एक्सेलरेटेड फ्रेम में अलग दिखे, बट दोनों में इक्वालिटी मैच होगा। जो ग्राउंड फ्रेम का पर्सन है, जो इनर्शियल फ्रेम का पर्सन है, वो ये स्यूडो फोर्स नहीं लेगा, यहां वो जीरो लेगा और यहां वो कुछ लेगा, बट मैच हो जाएगा ये और उसको जो ये दिखे वो मैच हो जाएगा, यहां जीरो डालेगा और अपने फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी दिखे वो मैच हो जाएगा। जो पर्सन एक्सेलरेटेड है, जो खुद एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल है, वो यहां पे एक स्यूडो फोर्स मिलेगा माइनस एम ए नॉट, मास ऑफ द ब्लॉक और अपनी एक्सेलरेशन का अपोजिट, वो उसका ही वर्क डन लेगा। तो यहां वो एक एक्स्ट्रा चीज लेगा, जीरो के बदले कुछ और लेगा, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स लेगा, बट ये दोनों वो फिर जो नया देखेगा दूसरा वैल्यू, ये सब मैच हो जाएगा। इन इन इफ फ्रेम इज एक्सेलरेटेड, ऑब्जर्वर इज, If observer is accelerated, ठीक है, this is the first statement, पहला। दूसरा, अब इसके special case बनेंगे, देखो अगर frame accelerated नहीं, अगर inertial frame में खड़े हो तो pseudo force नहीं लोगे। If frame is inertial, if observer is not accelerated, मीन्स इनर्शियल फ्रेम है, अगर तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है तो क्या होगा, ये टर्म वैनिश, ये टर्म वैनिश हो गया, इसका कोई काम ही नहीं है। अब क्या लिखोगे, तब हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल, कंजर्वेटिव टाइप का इंटरनल और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव टाइप का नॉन कंजर्वेटिव, के फाइनल माइनस के इनिशियल। दूसरा, अब फ्रेम एक्सेलरेटेड तो नहीं था, फ्रेम तो इनर्शियल है ही, साथ में फ्रेम तो इनर्शियल है ही, साथ में जो इंटरनल फोर्स हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या है, वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। मींस इफ इफ ऑल इंटरनल फोर्सेस, ऑल इंटरनल फोर्सेस, या इस तरह ये देखो, इफ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, इफ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो, जो इंटरनल फोर्स हैं वो नॉन कंजर्वेटिव है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं,
क्यों नहीं कर रहे? जो इंटरनल फोर्स है, या तो इंटरनल फोर्स, इसका दो तरीका पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है, या तो इंटरनल फोर्स, सारे कंजर्वेटिव है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है दैट देर इज नो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन विक्शन है ही नहीं कहीं, देर नो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब सिंपल समझो फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन है ही नहीं, लेवन टर्म में कहूं तो फ्रिक्शन है ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अंदर सिस्टम के भीतर कहीं भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, या फिर है तो बट वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर और फ्रिक्शन इज देयर, मैं नॉन कंजर्वेटिव को नाम दे रहा हूं फ्रिक्शन ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट डूइंग, बट इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, तो दो चीजें हैं, या तो फ्रिक्शन ही नहीं है, या तो फ्रिक्शन ही नहीं है, या फ्रिक्शन तो है लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा फ्रिक्शन वर्क, क्योंकि या तो उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट पे है, या तो उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट पे है, या फिर उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, हम देख चुके हैं ना कौन कौन से केस वर्क डन जीरो होता है, इसका मतलब क्या है, या तो फ्रिक्शन डॉट डी आर जीरो है, इसका मतलब फ्रिक्शन है बट फ्रिक्शन डॉट डी आर जीरो, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन है बट वो या तो डी आर जीरो है या डी आर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, आइदर डी आर इज जीरो और डी आर इज परपेंडिकुलर टू एफ, जो भी है, अगर ये वर्क नहीं हो पा रहा है, स्यूडो फोर्स है नहीं, स्यूडो फोर्स है नहीं क्योंकि फ्रेम इनर्शियल है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं या है तो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ये भी जीरो हो गया, तो क्या बच जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज के फाइनल माइनस के आंसर होगा ना, होगा, ये भी खत्म, सोच रहे होगे क्या हो रहा है, कितना घिचपिच है, इसीलिए बता रहा हूं, अभी मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो बताऊंगा घिचपिच है लेकिन घिचपिच का तुमको कोई काम नहीं है, इसको क्या लिख देंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स का निगेटिव होता है, क्या होता है, U final minus U initial, इसको क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ U final minus U initial, लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द मीनिंग ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ U final minus UI, तो यहां क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस माइनस ऑफ U final minus U initial होगा, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यहां से आएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके चले जाओ, इसको उस साइड लेके चले जाओ, देखो क्या आएगा, यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल होगा, इसको बोलते हैं द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द फ्रेम इज नॉट एक्सेलरेटेड
एंड द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट द इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट डूइंग एनी वर्क. ये स्टेटमेंट होते हैं एससी का ऑब्जेक्टिव वन और टू उठाओगे एक लाइन से दिए स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं तो तुमको टिक मार करना होगा. ठीक. अब देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क ना करे तो, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क ना करे तो क्या होगा, ये अगर जीरो कर दोगे तो क्या होगा. चौथा केस, ये भी जीरो, ये तो पहले ही जा चुका है, ये भी जीरो हो जाए तो क्या होगा, इसको जीरो कर दो. अगर यूएफ प्लस के एफ यूआई प्लस के आई, क्या आएगा, यूएफ प्लस के एफ इज इक्वल टू यूआई प्लस के आई, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट समझो, इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो जीरो, इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो जीरो तो हो जाएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज यू फाइनल प्लस के फाइनल. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तुमने अब तक जितने भी क्वेश्चन वर्क एनी थ्योरम जो पेंडुलम बॉब वाले सब किए थे सब हम इससे भी कर सकते हैं और करके दिखाएंगे भी, करके दिखाएंगे, लेकिन लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे. तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगने का क्या क्या कंडीशन है, कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी लगने का क्या क्या कंडीशन है. पहला स्यूडो फोर्स ना हो, दूसरा फ्रिक्शन ना हो, तीसरा एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, तब लगेगा. लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या कंडीशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का क्या कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं, सब जगह लगेगा, आंसर वही आएगा. तुमको यह दिमाग नहीं लगाना है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी से बनाए या वर्क एनर्जी थ्योरम, तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बनाना है. तुमको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, तुमको इससे बनाना है. जो जीरो आना होगा आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, सब केस में चलेगा. वर्क इज डिफाइंड फॉर एवरी फोर्स, वर्क इज डिफाइंड फॉर एवरी फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर सम फोर्सेस. तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसी से बनाना है, इससे नहीं बनाना है. हालांकि आंसर सेम आता है अगर तुम अप्लाई करोगे तो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जहां पे ये लगाने की, जहां पे इस बात का खतरा हो कि हो सकता है वो पर्टिकुलर इक्वेशन एप्लीकेबल ही ना हो, तो उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है. और एक मेथड है जो यूनिवर्सल है, जो सब जगह लगता है, वो सीख लो, उससे मास्टरी कर लो. जो कुछ जगह लगता है कुछ जगह नहीं लगता है उस पर मास्टरी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे एक जजमेंट ऑफ एरर से, एरर में तुमने तुम्हारा अगर जजमेंट किया और कोई तुम्हारा अगर एरर हुआ तो वो सीधे तुम्हारा आंसर गलत कर देगा. ठीक है, देखते हैं, देखते हैं. एस वर्मा की बुक है, एस वर्मा की बुक है, निकालो. पेज 131, पेज 131, आगे पेज नंबर 131, ऑब्जेक्टिव वन, पेज नंबर 131, ऑब्जेक्टिव वन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, इसका नेगेटिव क्या होता है. ऑप्शंस हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक
या पोटेंशियल एनर्जी? द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। दूसरा, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन टोटल काइनेटिक पोटेंशियल, टोटल काइनेटिक या पोटेंशियल, टोटल। सिक्स, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इज इक्वल टू द चेंज इन, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। चलो अब तुम आ जाओ, ऑब्जेक्टिव टू, क्वेश्चन नंबर टू, द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल, द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज 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 ऑलवेज, ठीक है। देखो तुम देख सकते हो पेज नंबर 123 पे, पेज नंबर 123 पे उसमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पेज 123 पे लेट अस समराइज द कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड सो फार इन दिस चैप्टर, लिखा हुआ है ना? यस सर। 7 पॉइंट्स दिए 1 to 7, मैंने सब बता दिए, तुम्हें अगर कभी टाइम मिले पढ़ लेना, ठीक है, उसको पढ़ लेना, उसमें कोई डाउट होगा पूछ लेना। अब देखो, तो मान लो मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन, कोई भी, मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है और मैं उस क्वेश्चन को बनाना चाह रहा हूं, तो देखो मैं कैसे दोनों मेथड से बना सकता हूं और क्यों मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं उसका जो कारण है वो ये नहीं कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व मैं तुमसे करा चुका हूं, मुझे तुमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वो चीज बताना है जो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ही है, जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। तो जैसे मैं तुमसे ये पूछता हूं, जैसे मैं तुमसे ये पूछता हूं, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, मैंने एक बॉल को यहां से ऊपर फेंक दिया, स्पीड कितनी थी यू, क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस, मैंने यहां से इसको एक स्पीड दे दी यू और क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब समझो तुम्हारे पास यहां दो मेथड है, पहला है वर्क एनर्जी थ्योरम, पहला है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद रखने वाली बात यह है, यहां दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक होता है यहां कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, समझ लो ना, यहां दो चीजें होती हैं, ये होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहां दो चीजें हैं, एक वर्क का कॉन्सेप्ट है और एक काइनेटिक एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इसको मिक्स मत करना, यहां तुम वर्क जानते हो और काइनेटिक एनर्जी जानते हो, यहां तुम वर्क नहीं जानते हो, यहां तुम जानते हो यू टू माइनस यू वन इज के वन माइनस के टू, या लिख सकते हो यू वन प्लस के वन इज यू टू प्लस के टू, यहां देखो एक पोटेंशियल एनर्जी और एक ये है, यहां तुम यू डू नॉट नो वर्क, यू डू नॉट नो व्हाट इज वर्क, यू नो पोटेंशियल
एनर्जी काइनेटिक दोनों में कॉमन है, काइनेटिक यहां भी है, काइनेटिक यहां भी है, बट यहां वर्क है, यहां पोटेंशियल एनर्जी है. यू डू नॉट नो व्हाट इज वर्क, यू डू नॉट नो व्हाट इज वर्क. अब देखो, अगर तुम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से बना रहे हो तो क्या करोगे, ए से लेकर बी तक जाओगे जहां ये रुका, और क्या करोगे तुम लिख दोगे अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी. ये तो हम कर चुके हैं, क्या लिखेंगे, मान लो ये एच हाइट तक गया, यही निकालना है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एमजीएच, वर्क डन बाय ग्रेविटी ए से बी तक जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, गया ऊपर फोर्स था नीचे माइनस एमजीएच, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, आ गया यू, आ गया एच का वैल्यू यू स्क्वायर बाय टू जी. यहां अगर करोगे तो क्या लिखोगे, यहां लिखोगे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज यू फाइनल प्लस के फाइनल. अब क्या करोगे, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो, मान लो कि इस पॉइंट पर, लेट अस टेक दिस एज द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट एट विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हो तो जहां ये रुकेगा एच हाइट पे, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अगर ये एच हाइट तुमने माना है तो कितना आएगा, प्लस एमजीएच आएगा ना, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एमयू स्क्वायर, और यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि तुमने माना ये टॉप मोस्ट पॉइंट है. तो तुम क्या लिखोगे, यू इनिशियल जीरो, यू के इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, यू फाइनल एमजीएच, के फाइनल जीरो, आंसर वही आएगा. बट ऐसा मत करना, यहां वर्क डन भी ले लेना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देना एमजीएच और वर्क कर देना माइनस एमजीएच, दोनों को काट देना, ऐसा मत करना. सिमिलरली तो जब हम इससे बना ही सकते हैं, चलो यहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, यहां तो ठीक है. एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक स्प्रिंग है जो कि अपने नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की, तुमने यहां एक स्पीड दे दिया यू, कितना दूर जाके स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस मूव बिफोर इट स्टॉप्स, वेयर इट स्टॉप्स, सो फाइंड इलॉन्गेशन स्टॉप्स. तो दो चीजें हैं, पहला है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो तुम पहले भी किए हुए हो, यहां से यहां तक तुम वर्क मान लेते हैं, डिस्टेंस कितनी एक्स है और तुम ये किए हुए, इसलिए हम सो नहीं कर रहे हैं. हम कहते हैं मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यू वन जीरो है, तो यू टू कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा. नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो एलोंगेशन क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, बता चुके हैं तुमको. यहां के इनिशियल कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, और यहां के टू कितनी है, जीरो. यू वन प्लस के वन इक्वल टू यू टू प्लस के टू, आ जाएगा ना, आंसर वही आएगा, है ना. ठीक है, अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यहां से यहां तक स्मूथ है, ठीक है, तूने यहां से ब्लॉक को छोड़ दिया और यहां के बाद रफ है, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो रफ है, म्यू है, यहां से यहां तक स्मूथ है कर्व पार्ट और ये रफ है, यहां से तुमने एच हाइट से इसको छोड़ दिया,
ये कितना दूर यहां पे चल के रुक जाएगा, ठीक है। फाइंड द एक्स बिफोर इट स्टॉप्स। अब बताओ क्या करोगे, क्या इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्या वर्क एनर्जी से बना सकते हो? बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। तो यहां ये नहीं लगेगा, यहां तुम जानते हो कि यहां नहीं लगेगा, यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, तुम जानते हो। कुछ ऐसे ट्रिकी केसेस आएंगे जहां तुमको समझ नहीं लगेगा, तुमको नहीं समझ आएगा, नहीं लगेगा, तुम लगा दोगे और आंसर गलत भी आ जाएगा। लेकिन अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाएंगे सेम चीज को तो कभी गलत नहीं आएगा। तो हम हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से ही इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाएंगे। हम पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग जानेंगे और उसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो जानेंगे, उसमें समझेंगे कि कितना बड़ा चीज है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसेप्चुअली देखेंगे, न्यूमेरिकली नहीं देखना है। न्यूमेरिकली ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। हम हाँ फाइंड द फोर्स, तो वो एक अलग केस हो गया। बट इस टाइप की केस जो कि न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, जितने भी किए अभी तक, उसमें नहीं लगाना है। या जिस जगह दोनों से बन सकता है, जिस जगह दोनों से बन सकता है, वहां हमेशा वर्क एनर्जी से बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल में इसको ना यूज करें। अगर कोई रास्ता ही नहीं बचा तो करना ही पड़ेगा ना, वो अलग क्वेश्चन है, वो कंसेप्चुअल पार्ट है। जो इसका स्पेशल जो इसका क्वेश्चन होता है ना, वो कंसेप्चुअल होता है, वो न्यूमेरिकल नहीं होता है। मैं बताऊंगा, बहुत फाइन डिटेल बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा थ्री डायमेंशनल फोर्स में फोर्स तुम वर्क कैसे निकालोगे। तुम थ्री डायमेंशनल फोर्स में फोर्स वर्क कैसे निकालोगे? अगर आई कैप, जे कैप, के कैप और तीनों एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तब तुम वर्क कैसे निकालोगे, सब बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो है तुमको ये समझना है कि हम इतना कंडीशन बैठ के चेक करने नहीं बैठे हैं कि लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पकड़ो, क्योंकि स्यूडो फोर्स के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं है। तो इसको नहीं लगाएंगे हम, इसको लगाएंगे हम, हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे। उसमें हम कर चुके हैं, हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जितने वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमको पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग था, हमने बता दिया, ठीक है। हमको अब क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, उसमें कैसे पार्टिकल ट्रैप किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के साथ फोर्स कैसे वेरी करता है, उसको देखना है। बाकी हम कर चुके हैं, ठीक है। तुम अगर